Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापेक्स एंड कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज जो आप हमारे सामने फ्रेम में कार देख रहे हो वो है टाटा हैरियर एक्सटी वेरिएंट। एंड ये जो वेरिएंट है ये इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये कैसे है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो गाइस, ये कार अब न्यू अपडेट्स के साथ आ चुकी है। ये जो कार आप हमारे सामने देख रहे हो ये इसका BS6 फेज 2 कंप्लाइंट वेरिएंट है। एंड अब इस कार में इंजन के साथ कुछ और कॉस्मेटिक चेंजेस भी हुए हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कार की की से। इस वेरिएंट में आपको दो स्मार्ट की ऑफर की जाती है। एंड स्मार्ट की में ही आपको अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट एक्सेस एंड लॉक के बटन्स मिल जाते हैं। एंड काफी स्मार्ट लुकिंग की है ये। बात करें इस वेरिएंट की प्राइसिंग की तो ये वेरिएंट आपको गुड़गांव में 21,26,000 अराउंड कॉस्ट करता है। एंड इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये कार 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आती है जो 167 bhp की पावर और 350 nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो डीजल इंजन होने की वजह से टॉर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है। आपको चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है इस कार में, ज़बरदस्त तरीके से चलती है कार। एंड अगर बात करें इसकी कंपटीशन की तो स्कॉर्पियो एन XUV700 उनसे किसी मामले में भी कम नहीं है ये कार। आप इस कार को ड्राइव करो तो आपको फिर पता चलेगा कि ये कार कितनी कैपेबल है। इस कार में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में ग्रिल देखने को मिलेगी एंड सेंटर में आपको मिल जाएगा टाटा का लोगो। ये ग्रिल काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अलग है बाकी जो टाटा की कार्स आ रही है जो उन ग्रिल से, काफ़ी अलग ग्रिल है एंड काफ़ी माचो लुक देती है ये कार को। साथ ही साथ इस कार में आपको DRL सेटअप मिलेगा एंड जो हेडलाइट यूनिट दी गई है उसमें लो बीम में आपको प्रोजेक्टर एंड हाई बीम में हैलोजन मिलेगा। एंड साथ ही जो फॉग लैंप है वो भी हैलोजन में दिए गए हैं इस वेरिएंट में। वहीं इसके अपर वेरिएंट में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको सारा प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है। इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, इसके अपर वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा। बात करें यार ओवरऑल लुक की तो कार का ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी माचो लगती है, काफ़ी मस्कुलर लगती है कार। बात करें कार की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसा लगता है इसका लुक। एंड जो इसका डायमेंशन है, जो इसकी लेंथ दी गई है इस कार में वो है 4598 mm। एंड इस वेरिएंट में आपको 17 इंच का टायर दिया जाता है एंड जो इसका प्रोफाइल है वो है 235/65 R17। तो 17 इंच के टायर साइज आपको इसमें मिलता है। इस वेरिएंट में आपको कोई अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेगा एंड यहीं पे पूरी क्लाइडिंग दी गई है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाती है। एंड इस वेरिएंट में आपको ड्राइवर एंड को पैसेंजर दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ डोर हैंडल में क्रोम का यूज़ किया गया जो काफ़ी अच्छा लुक देता है कार को। इसके साथ आप विंडो के ऊपर भी ये क्रोम की गार्निश देख सकते हो जो पूरा एंड तक जाती है एंड कार को थोड़ा प्रीमियम लुक देती है। एंड वहीं ब्लैक ग्लॉसी कलर में ORVM देखने को मिलेंगे जिसमें ही इंडिकेटर की प्लेसिंग की गई है। इसमें आपको कोई कैमरा का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन इस कार में इस वेरिएंट नहीं आता है। इससे ऊपर वेरिएंट में आपको ORVM के नीचे ही कैमरे की प्लेसमेंट मिलती है। बात करें कार की बैक प्रोफाइल की तो बैक प्रोफाइल से कार कुछ इस तरीके से लगती है। इसकी टेल लाइट में आपको ड्यूल लाइट सेटअप देखने को मिलेगा, DRL प्लस हैलोजन। DRL आपका इंडिकेटर का काम करती है, साथ ही साथ आपको एक हैलोजन बल्ब भी दिया गया है अंदर। रियर प्रोफाइल से भी कार काफी बल्की दिखाई देती है। यहाँ साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना एंड रियर वाइपर एंड डिफॉगर मिल जाता है। एंड साथ में ये ग्लॉसी ब्लैक कलर में आपको फिनिश देखने को मिलेगी पीछे, सेंटर में टाटा की बैजिंग एंड आपको कैमरे का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें कार के बूट स्पेस की तो इस कार में आपको 425 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ह्यूज बूट स्पेस गाइस, बहुत बड़ा बूट स्पेस है इस कार में। बूट स्पेस बहुत डीप है गाइस, तो जितना मर्जी आप सामान इसमें कैरी करो बिना किसी प्रॉब्लम के, काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ऑफर करती है ये कार। इस कार में आपको बूट लैम्प देखने को मिल जाएगा एंड इस कार में स्टेपनी की प्लेसमेंट जो है वो बूट के नीचे की गई है, तो आपको नीचे से एक्सेस करना पड़ेगा स्टेपनी। यहाँ पे आपको स्टेपनी की प्लेसमेंट नहीं दी गई तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है आपको, और सामान आप यहाँ कैरी कर सकते हो। स्टेपनी आपको कार के नीचे देखने को मिलेगी। तो गाइज अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कार अंदर से कैसी है, कार का इंटीरियर चेक करते हैं एंड चलते हैं कार के अंदर। तो गाइज कार के डोर पे आपको सिंगल कलर ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ किया गया है एंड सारे विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ग्रैब हैंडल काफ़ी सॉलिड है यार इस कार पे एंड उसके अलावा ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बोनट ओपन करने के लिए एक लीवर दिया गया है। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको
सिक्स वे एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, यहाँ से अपनी सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आप चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है एंड कार अंदर से कैसी लगती है। ओके गाइज, अगर बात की जाए कार के इंटीरियर की तो कार काफ़ी सिंपल सोबर इंटीरियर रखा गया है कार का। एंड जो थोड़ी थोड़ी जगह जो सिल्वर ट्रीटमेंट दी गई है कार में वो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बेसिकली तीन कलर्स का यूज़ किया गया है कार में, ब्लैक, सिल्वर एंड थोड़ा सा वुडन टच दिया गया है डैशबोर्ड में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका इंटीरियर। गाइज, बात करें कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो कार में आपको टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर एनालॉग में देखने को मिलेंगे। एंड ये पहले भी एनालॉग में ही आते थे, अभी भी एनालॉग में ही है, बट थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। सेंटर में MID स्क्रीन मिलेगी जिसमें कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। बात करें कार की स्टेयरिंग की तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलती है एंड अगेन बीच में जो सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है जो देखने में अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको म्यूज़िक के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एंड जो हॉर्न की प्लेसमेंट है वो भी सेंटर में की गई है टाटा के लोगों के साथ। एंड टू एयरबैग ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में मिलता है, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। एटलीस्ट टाटा को इसमें चार एयरबैग का ऑप्शन देना चाहिए था, बिकॉज जिस सेगमेंट में आ रही है उस सेगमेंट में और कार ऑफर्स कर रही है। बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की जो आई है वो है इसका 10-inch का जो नया इंफोटेनमेंट सिस्टम आया है। पहले से ज़्यादा स्मूथ है ये एंड टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है। एंड यहीं से आप अपना एयर प्योरीफायर भी कंट्रोल कर सकते हो, जो इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसके नीचे ही आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी एंड जो क्रोम इसमें यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस वेरिएंट में ही आपको ऑटो AC प्रोवाइड किया गया है एंड इसके नीचे ही आपको एक USB एंड 12 वॉट का सॉकेट देखने को मिलेगा। एंड अगेन आप ये क्रोम फिनिश देख सकते हो जो दी गई है। ये क्रोम ना गाड़ी में थोड़ा और प्रीमियमनेस बढ़ा देती है। ये कार आपको 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ मिलती है एंड गियर की प्लेसमेंट यहाँ है, उसके नीचे ही आपको हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ जो हैंड रेस्ट प्रोवाइड किया गया है ना, इसमें कुशनिंग काफ़ी अच्छी है गाइस। एंड अगर बात करूँ इसकी स्टोरेज की तो डिसेंट स्टोरेज है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, बट यहाँ पर आपको एक 12 वाट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा, तो आप अपने फ़ोन चार्ज वगैरह कर सकते हो इसके अंदर ही। बात करूँ कार के सीट कम्फर्ट की तो वैसे तो यार टाटा के सीट कम्फर्ट के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है कार में एंड काफ़ी अच्छा सीट कम्फर्ट है, जैसे टाटा की और कार्स का भी होता है, तो ये कार कुछ अलग नहीं है। इस कार में भी काफ़ी अच्छा सीट कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट में आपको बैनुअल IRVM देखने को मिल जाएंगे, बट कंपनी इसको ऑटो डिमिंग IRVM दे सकती थी इस वेरिएंट में। रीडिंग लैम्प LED में दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ इसके नीचे आपको सनरूफ के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ गाइज, इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि ये एक इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बिकॉज इस वेरिएंट में आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है इस कार में। तो जिन जिन लोगों को सनरूफ के मजे लेने हैं ना, वो इस वेरिएंट पे जा सकते हैं, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये इसका। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी प्लान कर रहे थे 2023 में हैरियर को लेने की और आप वेट कर रहे थे इसके BS6 Phase 2 वेरिएंट का, तो ये वेरिएंट अब शोरूम्स में आ चुके हैं। बाकी शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको फ़ोन करके इनके वेरिएंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं एंड अपने लिए एक टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।